मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने के फिरौन के सामने भी एक नौकरानी डट गई। तौहीद की बात चल रही है। मैं मर्दों का वाकया थोड़ा कम बयान करूंगा, वो तो माशाल्लाह होते ही मजबूत। माओ बहनों का वाकया कि अगर वो तौहीद वाली हो जाए, भाग रही है ना इधर उधर, अरे जरा ये हो गए, वहां खड़ी है, उधर खड़ी है, वो दरवाजा वो मौली साहब का खोल के बयान करें। इज्जत भी गई, पैसा भी गया, दौलत भी गई, सब कुछ भी गया, अल्लाह पर भरोसा है ही नहीं। तो जब अल्लाह के दरवाजे को छोड़ दीजिएगा तो दुनिया में भटकते रहिए। तौहीद कोई इस नौकरानी से सीखे, कितनी अल्लाह वाली औरत है वो। मुसनद अहमद जिल नंबर 1 सफा नंबर 309-310 पर एक रिवायत आई है, यानी अगर तौहीद वाले हो जाए, एक अल्लाह को मानने वाले, तमाम तकलीफें खत्म। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गए तो आपने वहां खुशबू सूंघी। जिब्रील अमीन से पूछा, खुशबू आ रही है, किसकी खुशबू है ये? कहा, फिरौन की बेटी को कंघी करने वाली जो नौकरानी थी उसकी खुशबू है और उसके बच्चों की खुशबू है। भाई, औरत की खुशबू और उसके बच्चों की खुशबू? नबियों के सरदार को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में सूंघने को मिले, आखिर मसला क्या है? माओ बहनों के लिए दर्स है। वाकिया ये है, नौकरानी जो थी वो फिरौन की बेटी को कंघी करती थी। कंघी एक मर्तबा गिर गई तो उस नौकरानी ने कहा अल्लाह, तो फिरौन की बेटी ने कहा अल्लाह से मुराद मेरे अब्बा क्या? बोले तेरे अब्बा नहीं, अल्लाह से मुराद जो मेरा रब है और तेरे बाप का रब है। अल्लाह अकबर, एक नौकरानी नौकरजात, उसके अंदर इतनी बड़ी ताकत। बोले नहीं, मेरा रब तेरे बाप का रब अल्लाह है। बोले मैं अपने बाप को बोल दूंगी। ठीक है, जाके बोल दे, जाके बोल। फिरौन के सामने यह बात आई, उस वक्त भी उस औरत ने कहा मेरा रब और तुम्हारा रब अल्लाह है। फिरौन ने कहा अच्छा, मेरे अलावा भी कोई रब है क्या? बोला हां, अल्लाह है, रब है। कौन सी ताकत है, कौन सी हिम्मत है जो उस औरत में आ गई? मालूम है क्या सजा मिलने वाली? अब फिरौन का नाम सुनते ही कांपते रखते थे लोग। फिरौन ने यह सोचा कि यह औरत जात है तो पीछे हट जाएगी, तेल गरमाया, तेल, अल्लाहु अकबर, तेल गरमाया जा रहा है, कहीं आग जलाया जा रहा है, आग में डाला जा रहा है। मेरे भाइयों, ईमान वालों को आग में डालने की कहानी बड़ी पुरानी है। जो वहां गया कुंदन बन गया, मोमिन कभी नहीं घबराता, आग में जाना गवारा है लेकिन ईमान को छोड़ना गवारा नहीं है। तेल में जाना गवारा है लेकिन इस्लाम को छोड़ना गवारा नहीं है। फिरौन समझ रहा था अब जो तेल गरमा रहा हूं तो ये औरत डर जाएगी। माँ बहनों के लिए नमूना, औरत डरी क्या, कुर्बान जाइए। उसके बच्चों को बुलाया गया, औरत के बच्चों को भी बुलाया गया, एक एक करके तमाम बच्चों को तेल में डाल दिया गया, गरम तेल के अंदर। आखिरी बच्चे की बारी आई, वो दूध पी रहा बच्चा, मां जरा पीछे हटी, मां की ममता जानते ही, तकासत का अरबी के अंदर आया हदीस में, पीछे हटी जरा। फिरौन ने उससे कहा था कि आखिरी आपकी कोई ख्वाहिश है क्या? जिसको जब सूली पर लटकाते हैं ना तो आखिरी ख्वाहिश पूछ लेते, आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? बोले मेरी आखिरी ख्वाहिश यही, अब तेल में जलना है तो मेरे बच्चों की हड्डियों को और मेरी हड्डी को एक ही कब्र में रख दिया जाए, यही आखिरी ख्वाहिश है। अल्लाह हू अकबर। ठीक है, अब जब बारी आई कि भाई उस बच्चे को लेकर तेल में कूदना, तकासत मिन अजली, पीछे हटी जरा,
उस बच्चे ने मां की छाती छोड़ी और कहा, या उम्मा इख्तहिमी फइन अज़ाब अद्दुनिया अहवन मिन अज़ाब अलआखिरा, अम्मी जान तू मुझे लेकर तेल में कूद जा, क्योंकि दुनिया का अजाब आखिरत के मुकाबले में हल्का है। और वो तेल में कूद गई। अल्लाह पर भरोसा, दुनिया की सजा कुछ भी हो जाए।